आप सब लोग? आई होप कि सब खैर से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मेलानी ब्लैक कैट। तो जनाब, मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन किया था दैट आई एम गोइंग फॉर अ सरप्राइज ट्रिप। तो वो ट्रिप कहाँ का हो सकता है? आप लोगों ने काफ़ी सारी प्लेसेस भी गेस की जिनमें USA है, कनाडा है, UK है, जर्मनी है, बहुत सारी ऑप्शंस दी आप लोगों ने। 5 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है और इतना हैक्टिक दिन था कि मैं ये बिल्कुल शूट ही नहीं कर पाई हूँ और बिहाइंड द सीन मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा पाई हूँ। इतनी लंबी फ्लाइट है लेकिन इतना कम बैगेज दिया, ओनली 25 kg। यार प्लीज़, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर इस कदर ठंड है तो विंटर स्टफ तो वैसे ही इतनी जगह घेरता है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी यार, थोड़ा सा तो ज़रा रहम करें। वेट के अकॉर्डिंगली बैग सेट कर लिया और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे वीलॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारी रील्स आने वाली हैं। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, और अभी तक अगर आपने मुझे यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। और कोविड वैक्सीन भी रख ली है, ऑल गुड। बस मुझे खांसी ना एयरपोर्ट में, तो उन्होंने कहना ले आ बाजी इधर, तेरा तो पहले हम टेस्ट करते हैं ना। अभी मेरे पास कितने घंटे हैं एयरपोर्ट जाने में 3 घंटे हैं। आई थिंक आई शुड गेट सम नैप। फिर इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे मिलते हैं। सी यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? इस वक्त सुबह के 5:15 हो रहे हैं एंड वी आर ऑन द वे टू एयरपोर्ट। सॉरी, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, इतनी जल्दी में अफरा तफरी में हम लोग भागे हैं कि बस अभी लगेज है हमें और तबीयत बहुत ख़राब है। सो मिलते हैं एयरपोर्ट पे। हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और अब बस दुआ करें मेरा सामान जो है वो ऑन बोर्ड हो जाए इजीली, इंशाल्लाह होपफुली, देखते हैं क्या होता है। फाइनली सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह एंड नाउ आई एम लीविंग। अच्छा, कराची एयरपोर्ट पे अंदर ये कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं, रहमत शीरी भी है। अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के लिए, यहाँ से स्वीट्स लेके जा सकते हैं, मिठाई लेके जा सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, यू गॉट एवरीथिंग इनसाइड हियर। मिठाइयां, शठियाइयां, लाल किला भी है भाई, इट्स टू कूल। साथ ये लेदर मास्टर भी है, यहाँ पे आपको ज्वेलरी, बैग्स, एक्सेसरीज, हर तरह की चीज़ मिल जाएगी जो ट्रैवलिंग में काम आती है। ओ, यू वांट टू बाय एनी गिफ्ट्स फॉर योर लव्ड वंस? हाँ जी, हेलो, अब हम तसल्ली से बात कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इतनी गर्मी थी, मैंने अपनी जैकेट उतार दी है। हम लोग पाकिस्तान लगेज बचाने के लिए कि कुछ जो है वो हमें पैसे वैसे ना पड़ जाए, मैंने ओवरकोट भी अपना हाथ में पकड़ा हुआ था, जैकेट पहनी हुई थी, सॉक्स भी मैंने इतने लंबे लंबे चढ़ा लिए। अब मुझे गर्मी लग रही है, मैंने उतार के सब चीज़ें रख दी। अभी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा टाइम है और जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लाउंज में तो रश भी नहीं है, लोग भी नहीं, वरना बंदा लोगों को ही ऑब्ज़र्व करता रहता है। मेरा टाइम से पहले आने का एक फ़ायदा ये है कि आपको लगेज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, दूसरा आपको इमिग्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जब रश हो जाता है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं ना, उस वक्त फिर वो लोग भी बहुत थक चुके होते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और सारा गुस्सा और सारी तप आप लोगों में निकल जाती है। सो यहाँ से हमने क्या सीखा, बी ऑन टाइम। लाउंज बिल्कुल खालम खाली है, तो भावें लुडियाँ पाओ। तो लेट्स गो एंड लुक फॉर सम चाय। मुझे कॉफ़ी प्लैनेट नज़र आया, यहाँ से देखते हैं चाय है या कॉफ़ी है सिर्फ। यार यहाँ पे तो चाय नहीं मिली, अब उन्होंने मुझे गाइड किया कि पेप्सी काउंटर है कोई यहाँ पे, वहाँ से चाय मिलेगी। दिस इज़ पेप्सी काउंटर जहाँ से चाय मिलेगी। ये जनाब आ गई चाय, चाय के साथ भी कुछ खाना है, बिस्किट। कौन सा बिस्किट? कोई, हाँ शुगर फ्री ये वाला दे दे, वी टेबल दे दे, हाँ ये दे दे, ठीक है। कितने हो गए? हाँ हाँ वो तो अच्छा जी। ये भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकानी। एयरपोर्ट पे होते हैं, पेप्सी कॉर्नर में चाय बना के दी है इन्होंने मुझे, बहुत अच्छी सी, और मैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, सो वी हैव फाइनली लैंडेड एट कतर एयरपोर्ट।
और अब कान बिल्कुल बंद हो चुके हैं. आई एम गोइंग टू कैच अनदर फ्लाइट इन 2 आवर्स. बैंड बजी पड़ी है और लेट्स सी हमें क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे. हो हेयर इट इज लैंडमार्क ऑफ कतर एयरपोर्ट. यार क्या दुनिया ही अलग है यहाँ पे. वाओ इट्स लाइक सो बिग मैसिव. आई हैव बीन हेयर बिफोर. पहले मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, बट उस टाइम आई वॉजेंट अ यूट्यूबर. नया नया शुरू किया था. हियर इज बिग स्क्रीन. हियर इज इसका सामने से दीदार करते हैं. कूल. पहले ये फ्लावर्स नहीं थे इसके आगे, अब ये फ्लावर्स भी लगा दिए. ये तो भाई माय काइंड ऑफ स्टॉप है. ओह माय गुडनेस. लेकिन इधर नहीं जाना. ना 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 ना. नो 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 नो. मूव योर एस. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. इधर नहीं जाना. सो गाइस दिस इज इट. बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया. लेट्स हैव सम वाटर. यार व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल डोंट कीप योर डिओड्रेंट्स परफ्यूम्स मोर देन 30 ml. मुझे अंदाज़ा था लेकिन फिर भी मैंने कहा हो सकता है कोई तुक्का लग जाए, बट या लेके उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए मेरी आंखों के सामने, डस्टबिन में डाल दिए. बट यू कांट डू एनीथिंग. सो पानी पीते हैं. भाई यार चेक करो ज़रा. ये है पानी जो हमें चाहिए. अच्छा जी, एवियन की पानी की बोतल तो मैंने ले ली, लेकिन लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार 18 रियाल की पानी की बोतल. आर यू किडिंग मी. पानी था क्या आबे हयात था. खैर लुट के हम. नाउ आई एम गोइंग फॉर चेक इन. ये हम प्लेन में बैठ चुके हैं और अब आप कतर से ऑनवर्ड्स आप व्यू चेक करना. ये टेक ऑफ करता है प्लेन बिल्कुल समंदर के ऊपर से. रनवे जो है वो समंदर के ऊपर ख़त्म होता है. एंड देन यू आर शूट इन द एयर. नीचे समंदर, ऊपर आसमान. जिस बंदे को फोबिया होगा वो तो क्या काम से. बट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. लुक एट द सी. क्रिस्टल क्लियर है यार. आफ्टर 7.5 hours ऑफ एग्जॉस्टिंग एंड टायरिंग फ्लाइट वी आर अबाउट टू लैंड. ये फाइनली. हे एवरीवन, तो चले सरप्राइज को जो है वो यहीं एंड करते हैं. आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंडेड टू हेथरो एयरपोर्ट लंदन. यस आई एम इन लंदन. तो अब थक के इतना बुरा हाल है. अभी इमिग्रेशन की लाइन में लगना है. बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं भाई यहाँ पर. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. लंदन आने की जितनी भी एक्साइटमेंट होती है ना, यहाँ हेथरो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन की लाइनों में लग के सब कुरल हो जाता है. मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक. एक्चुअली मैं लंदन पहुँच गई हूँ. रात को इतना लेट हो गया था कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट इट वॉज अराउंड 5 o'clock. और टोटल 24 hours की ट्रैवलिंग हो गई थी एंड आई वॉज एग्जॉस्टेड. आई वॉज जस्ट डाइंग टू स्लीप कि मुझे बिस्तर मिल जाए और मुझे बस मैं गिर जाऊँ. तो इसलिए मैं ना अराइवल शॉट ले सकी. फिर इमिग्रेशन में इतना टाइम लग गया. ऑलमोस्ट 2.5 hours इमिग्रेशन में लग गए. बहुत टायरिंग है. बहुत बहुत ज़्यादा टायरिंग है. जो पहले ट्रैवल कर चुके हैं उनको अंदाज़ा होगा. सो या हेयर आई एम इन द मॉर्निंग. अभी हम बाहर का एक राउंड लगाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे, ब्लॉग्स बनाएंगे डेली. इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँ. स्टे विद मी, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू सून इंशाल्लाह.